बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम मसल्स के जो स्केलेटल मसल्स है उनकी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस बुक में 2 डिसऑर्डर्स है और यहाँ पे हम पहले एक पढ़ेंगे, इसके बाद दूसरा डिसऑर्डर पढ़ेंगे। जो सबसे पहला डिसऑर्डर है बोन्स का, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ये 2 वर्ड से बना है। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज द ऑस्टियो एंड द सेकंड वन इज द पोरोसिस। ऑस्टियो मींस ऑस्टियोसाइट्स, और ऑस्टियोसाइट्स वो सेल्स है जिससे बोन्स बने होते हैं, यानी बोन्स की एक्टिव सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। पोरोसिस कहते हैं पोर्स को, सुराखों को, होल्स को। सो इट लिटरली इट मींस पोरस बोन्स। पोरस बोन्स का मतलब है कि एक ऐसी डिजीज जिसमें हमारी बोन्स ये वीक और ब्रिटल बन जाते हैं। वीक मीन कमजोर और ब्रिटल मींस कि वो टूट जाते हैं आसानी से। इसी कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। एक प्रोसेस है जिसे कहा जाता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन वो प्रोसेस है जब हम खुराक के जरिए कैल्शियम लेते हैं, वो कैल्शियम जाके हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं फूड से, ब्लड में फिर वो मसल्स में इस्तेमाल होते हैं, और जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो जाके बोन्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो ये जो पाथवे है ब्लड से लेकर, ब्लड से कैल्शियम का बोन्स की तरफ आना, इसे कहा जाता है मिनरलाइजेशन, यानी द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का जमा होना। ब्लड से बोन की तरफ स्टोरेज के लिए कैल्शियम का जाना, इसे कहा जाता है मिनरलाइजेशन। अब इसका जो उलट प्रोसेस है इसे कहा जाता है डीमिनरलाइजेशन, यानी द लॉस ऑफ मिनरल्स। लॉस ऑफ मिनरल्स का मतलब है कि हमारी खुराक में कैल्शियम कम हो जाते हैं, या हमारी बॉडी में फूड से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी एबिलिटी खत्म हो जाती है। तो जब यही कंडीशन आ जाती है तो हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और चूंकि हमारे मसल्स के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है फंक्शन की, हमारे सेल्स के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है, तो ब्लड में चूँकि कैल्शियम की कमी है तो बोन में जितनी भी कैल्शियम है वो कैल्शियम दोबारा ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड में वो इस्तेमाल हो जाते हैं, और मजीद जो कैल्शियम है हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होते। तो ये जो बोन का मिनरल है कैल्शियम, ये ब्लड की तरफ आ जाता है और इस्तेमाल हो जाता है, इसे कहा जाएगा डीमिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन एक अच्छी बात है, और इससे बोन्स बढ़ जाते हैं, इससे हड्डियाँ मजबूत बन जाती है। और इसका जो उलट है डीमिनरलाइजेशन, इसमें हमारी बॉडी की बोन्स की वो जो कैपेसिटी है कैल्शियम की वो कम हो जाती है। जब कैल्शियम की कैपेसिटी कम हो जाए तो इसी कंडीशन को डीमिनरलाइजेशन कहा जाता है, यानी द लॉस ऑफ मिनरल्स। अब ऑस्टियोपोरोसिस में भी यही होता है, यानी हमारी बोन्स वो कैल्शियम लॉस करते हैं, और इसी कैल्शियम के लॉस की वजह से इसे कहा जाता है एक कंडीशन बन जाती है, एक बीमारी बन जाती है, और इसी बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के काजेज है, देयर आर मेनी प्लेंटी ऑफ काजेज, बहुत ज्यादा काजेज है, यहाँ पे हम कुछ मेंशन करते हैं। यानी एक है कैल्शियम एंड विटामिन डी डिफिशियंसी। अगर हमारे खुराक में कैल्शियम की कमी हो तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में ये विटामिन डी भी जरूरी है, तो विटामिन डी और कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी आ जाए तो इसी कंडीशन की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस काज हो जाती है। अब ये विटामिन डी हमारे स्किन में भी एक्टिव हो जाती है, जब सन की अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन पे पड़ती है तो इसी की वजह से विटामिन डी वो एक्टिव बन जाती है, और इसी तरह कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होती है। दूसरी जो रीज़न है वो है एजिंग, यानी उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाती है, और इसी कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस काज हो जाता है। जो तीसरी रीजन है वो है बीइंग फीमेल, यानी औरतों में, फीमेल्स में कैल्शियम की कमी ज्यादा होती है, यानी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है वहां पे फीमेल्स में। तो इसी वजह से अगर फीमेल है तो उसको
एक काज है ऑस्टियोपोरोसिस का कि कैल्शियम उसमें कम है, इसीलिए इसी वजह से दूसरी जो काज है वो है कैल्शियम और विटामिन डी डिफिशियंसी, और तीसरी वजह है एजिंग यानी उम्र के ज्यादा होने से, उम्र के बढ़ने से। यानी एक लड़का है 20 साल का और एक बूढ़ा है 60 साल का, तो 60 साल की बूढ़ी में एजिंग की वजह से, ज्यादा उम्र की वजह से कैल्शियम की ज्यादा कमी होगी। इसकी सिम्टम्स क्या है, कैसे हमें पता चलेगा? जनरली बैक पेन, हर वक्त बैक पेन रहेगा यानी कमर दर्द रहेगा। इसके अलावा लॉस ऑफ वेट रहेगा क्योंकि हमारी जो बोन्स है वो डेंस है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो बोन की ज्यादा डेंसिटी की वजह से जब कैल्शियम कम हो जाते हैं, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और हमारी वेट लॉस हो जाती है। इसके अलावा बोन फ्रैक्चर, अगर मामूली सी मसले से, मामूली सी हिटिंग से अगर बोन में फ्रैक्चर आ जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो ये भी एक सिम्टम है कि बॉडी में कैल्शियम की कमी है। इसके अलावा अगर सुस्ती है बॉडी में, तो इसका मतलब है कि कैल्शियम की बॉडी में कमी है, विटामिन डी की डिफिशियंसी है, इससे भी हमें पता चल सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सो फॉर ट्रीटमेंट बिस्फॉस्फोनेट्स ये इस्तेमाल की जाती है मेडिकली, बिस्फॉस्फोनेट्स। इसके अलावा इनटेक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम जब हम लेंगे खुराक में, सप्लीमेंट्स में, गोलियों की शक्ल में, टेबलेट्स की शक्ल में, तो ये इसी कमी को पूरा करेगी। और इसके अलावा वाइटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट, खासकर वाइटामिन डी, वाइटामिन डी और मिनरल सप्लीमेंट खुराक में इजाफी तौर पर, पेल्स की सूरत में, टेबलेट्स की शक्ल में या लिक्विड्स की फॉर्म में हम लेते हैं ये सप्लीमेंट, तो इसके जरिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी रीजन है वो क्या है कि बोन का डीमिनरलाइज, बोन से डीमिनरलाइजेशन हो जाना, यानी बोन से कैल्शियम का लॉस हो जाना। ये है एक डिसऑर्डर। दूसरा डिसऑर्डर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।